हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भले ही अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें आज भी सबके जहन में ताजा हैं। काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जन्मे जतिन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना का बचपन के दिनों से ही रुझान फिल्मों की ओर था। वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे। ये हुई ना मर्द वाली बात। भाव बचाए, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजेश खन्ना के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो शायद ही आपने सुनी हो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ऐसी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। राजेश खन्ना अपने करियर के शुरुआती दौर में रंगमंच से जुड़े और बाद में यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसके फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना ही फर्स्ट आए। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना है। ये नाम उन्होंने अपने एक अंकल के कहने पर बदल लिया। 1969 से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी और इसी वजह से उस दौर में पैदा हुए ज़्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका, शायद आपने सुनी भी हो। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। उन्होंने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगलर होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं थी। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए GPCP ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार भी थी। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1967 में रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन यह माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई जो राजेश को हासिल हुई थी। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए। उस समय लड़कियां बड़े अजीब अजीब कारनामे करती थीं, यहां तक कि लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फ़ोटो से शादी कर ली, कुछ ने अपने हाथ या जांग पर राजेश का नाम गुदवा लिया, कई लड़कियां उनका फ़ोटो तकिए के नीचे रख कर सोती थी। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफ़ेद रंग की कार रुक जाती थी तो लड़कियाँ उस कार को चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफ़ेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वे मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सके। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आँख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आय के नए रिकॉर्ड बनाए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गाना रहा। आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार RD बर्मन और गायक किशोर का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकतर गाने हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज़ दी तो RD ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश खन्ना हमेशा सजग रहते थे। वे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते थे। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में दी। मुमताज ने शादी करने के बाद फिल्मों को अलविदा कहने का मन बना लिया। उनके इस निर्णय से राजेश को बहुत दुख हुआ। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानते थे। बाद में राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी दोहराने सके।
राजेश ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ को मिली। यही फिल्में अमिताभ के सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां साबित हुई और यही राजेश के पतन का कारण बनी। और आखिरी में 18 जुलाई 2012 को काका कहकर पुकारे जाने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने 69 साल की उम्र में दुनिया और इंडस्ट्री दोनों को अलविदा कह दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।